हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज हम लोग इस वायरलेस रिले मॉड्यूल की टेस्टिंग करने वाले हैं। ये इसका रिमोट है, आप इसको दबाते हो ना तभी ये एक्टिवेट हो जाता है, और आपकी जो भी अप्लायंसेस है हम लोग इससे एक्टिवेट कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स रोल इन द इंट्रो। तो गाइस, ये रहा वो रिले मॉड्यूल, इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं बाहर। और ये देखिए, तो ये जैसे कि आप इधर देख सकते हैं, ये दो टर्मिनल्स इसके, देखो ये रिले, अभी ये इसके सर्किट का इनपुट है नेगेटिव, ये वाला पॉजिटिव, ये वाला नॉर्मली ओपन, ये कॉमन, और ये नॉर्मली क्लोज्ड। और ये उसका रिमोट है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये उसका रिमोट है। इसका एंटीना ऐसे, ये लंबा हो जाता है, ये देखिए। और हम लोग इसको ऐसा खोल सकते हैं और फिर ये इससे एक्टिवेट होता है। ओके, और ये इसका रिमोट था गाइस, ऐसे। तो गाइस, अभी मैं आपको इस रिले की वायरिंग करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हमको 12 वोल्ट 1 एम्पियर का इस तरीके का ऐसा एडाप्टर चाहिए, 12 वोल्ट 1 एम्पियर। आप 2 भी यूज कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे 1 यूज कर रहा हूँ क्योंकि इसका रेटेड वोल्टेज वही है, आई मीन एम्पियर वही है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इसका नेगेटिव वाला वायर लगा देंगे इस तरीके से, ओके। और यहाँ पे हमारा पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रोड वायर लगा देंगे इस तरीके से, तो ये यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है इस तरीके से। देखो आप एक बार देख लो, अभी मैं इसको नॉर्मली ओपन पर्पस इसके लिए यूज कर रहा हूँ, तो इसलिए हम लोग एक वायर लेंगे, वो इस मिडल वाले में लगेंगे, इसको कॉमन बोलते हैं। यहाँ पे हम इसको लगा देंगे इस तरीके से, ये कॉमन लग चुका है। अभी मैं यहाँ पे फटाफट से दूसरा वाला भी लगा देता हूँ। गाइस, ये कॉमन वाला लग चुका है इधर। अभी मुझको नॉर्मली ओपन यूजेस के लिए चाहिए, मतलब कि जब मैं इस ट्रिगर को दबाऊंगा तभी वो डिवाइस चालू होगा। अगर आपको ऐसा चाहिए कि जब ये बटन दबाए तभी डिवाइस बंद हो जाए, तभी आपको नॉर्मली क्लोज में लगाना है इस वाले टर्मिनल में, ये आपको दिख रहा है ना यहाँ पर इधर। और अगर आपको ऐसा चाहिए कि जब हम लोग बटन दबेंगे तभी चालू होगा डिवाइस, तभी हमको इधर लगाना है, इधर लगा देते हैं इस तरीके से लगाएंगे। इसे भी ये अंदर गया और इसे हम टाइट कर देते हैं, ओके गाइस, ये टाइट हो चुका है। अभी हमको इस चीज को इसे केस में डाल देना है ऐसे। चलो, ये लग चुका है इधर। और इसका एंटीना हमको, ये जो दिख रहा है आपको स्प्रिंग जैसा, ये इसका एंटीना है, तो इसको हम बाहर निकाल देंगे ऐसे। इसकी वैसे ज़रूरत तो नहीं है, पर अगर आपको ज़्यादा अच्छा रेंज चाहिए तो आप इसको बाहर निकाल सकते हो। और फिर इसको हम अच्छे से बंद कर देंगे, और इधर आ चुका है। मैं खाली आपको एक बार चला के दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करता है। तो गाइस, अभी इसको चालू कर देते हैं हम।
गाइस मैं अभी पावर आ चुकी है, अभी आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। ये रहा इसका ट्रिगर, इसको मैं दूर रख देता हूँ ऐसे, और दबा कर रखोगे तो ये ऑन रहेगा, छोड़ोगे तो ऑफ होगा। तो चलो अभी इसको हम लोग कोई चीज़ पे ट्राई करके देखते हैं। तो गाइस ये हमारा लोड कनेक्ट हो चुका है, अभी मैं आपको इसे टेस्ट करके दिखाता हूँ। ये अभी इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि मैंने अभी पावर सप्लाई ऑन नहीं किया, तो अभी इसे ऑन कर देते हैं। अभी ये पावर सप्लाई ऑन है, अभी देखिए। तो कैसे ऐसे काम करता है, और इसकी रेंज 10 मीटर तक की है, तो आप इसको 10 मीटर तक आई मीन 10 मीटर से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। सो गाइस आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे, अगर आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब लाइक शेयर और कमेंट कर देना। एंड आपको अगर मैं बताऊँ तो इसका यूजेस है ना मोस्टली पायरोटेक्निक चीज़ों में होता है, जैसे कि अगर आपको फेस्टिवल्स के टाइम पे अगर आपको रिमोट से कोई एक्सप्लोसिव या कोई फायरवर्क जैसे कि उनको करना है एक्टिवेट, तो हम लोग इससे इससे इसका यूज़ कर सकते हैं हम लोग। एंड आपको इसका मैं लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर। एंड फॉर द नेक्स्ट टाइम बाय बाय।